चल रही थी और उसके बाद फैसला आ चुका है, नवनीत राणा को जमानत मिल चुकी है। ये पूरा जो विवाद था हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर था, सेशन कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। विवाद ये था कि मातोश्री के बाहर जाकर उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना है। जैसे उन्होंने ये बातें कही, पहले गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद उनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ और अब ये कई दफा कोर्ट में मामला चला, सुनवाई हुई और आज की सुनवाई के बाद फैसला आ चुका है, यानी जमानत मिल चुकी है। इस बीच खबरें ऐसी भी निकलकर सामने आ रही थी कि नवनीत की तबीयत नासाज हो चुकी है, हो सकता है वकीलों की दलील में इसे भी आधार बनाया गया हो, इसे भी ग्राउंड के तौर पे दलीलों में इसका जिक्र हुआ हो। हमारे सहयोगी जैसे ही जुड़ेंगे ये तमाम डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त जमानत मिल चुकी है। विवेक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक ग्राउंड क्या रहा जमानत के लिए? देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि राणा दंपति को मुंबई के सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि सरकारी पक्ष ने पूरी कोशिश की थी कि जमानत याचिका खारिज हो जाए, क्योंकि जो धारा लगी थी सेक्शन 124A यानी कि राजद्रोह सेडिशन का चार्जेस लगा हुआ था, तो सरकारी वकील की पूरी कोशिश थी कि सेडिशन के चार्जेस में इतनी जल्दी जमानत नहीं दी जा सकती है। लेकिन बार बार जो 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 डिफेंस है, जो राणा दंपति के वकील है रिजवान मर्चेंट, उनका साफ तौर पर कहना था कि राजद्रोह का ये मामला है ही नहीं है, सेडिशन के जो चार्जेस है वो गलत लगे हैं और जिस तरीके से उन्होंने कहा था मातोश्री में जाके वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे, लेकिन वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए मातोश्री पहुंच ही नहीं पाए, वो अपने घर से निकल ही नहीं पाए। और ये इसी ग्राउंड पर लेकर कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जो ग्राउंड है वो ग्राउंड थोड़े कमजोर होते नजर लग रहे हैं, इसलिए राणा दंपति को अब बेल दे दी गई है। अब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि जो 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 अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा वो मुंबई के भाईकला की महिला जेल में और उनके पति रवि राणा वो नवी मुंबई के तलुजा जेल में। अब यहां से जो है वो बेल ऑर्डर यहां से इनके डिफेंस लॉयर है वो निकालेंगे और बेल ऑर्डर को किसी भी हाल में आज शाम के 5:30 बजे तक जो जेल की पत्र पेटी होती है उस बेल ऑर्डर को उस पत्र पेटी में डालना पड़ेगा। अगर वो बेल ऑर्डर आज देरी होती है और पत्र पेटी जेल तक नहीं पहुंच पाती है तो आज दोनों पति पत्नी का निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि ऑर्डर आ चुका है और अभी 11:30 बज रहे हैं, तो जो राणा दंपति के वकील है वो पूरी कोशिश करें कि जल्द से जल्द जो बेल ऑर्डर कॉपी है वो कोर्ट से निकालें और कोर्ट से निकालने के बाद सीधे दो अलग अलग जेल में उन्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि जो नवनीत राणा है वो महिला सांसद हैं, उन्हें मुंबई के भाईकला जो महिला जेल है वहां पर रखा गया है और उनके पति रवि राणा को नवी मुंबई के तलुजा जेल में रखा गया है। तो पूरी कोशिश है कि बेल ऑर्डर को आज हर हाल में शाम के 5:30 बजे तक पत्र पेटी में डाला जाए ताकि फॉर्मेलिटी करने के बाद दोनों पति पत्नी आज जेल से रिहा हो सके। अभी जितना वक्त है उसमें ऐसा लगता है कि शायद ये लेटर पहुंच जाए, ऑर्डर कॉपी पहुंच जाए और इन दोनों को आज के आज रिहा कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल ये अहम है विवेक, क्योंकि भले ही इन्हें जमानत मिल गई हो, भले ही वो आज की तारीख में रिहा हो जाएंगे, लेकिन ये जो पूरा मामला है वो थम जाए, ये विवाद थम जाए, ये सियासत थम जाए, ऐसा लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही करीमा, देखिए हनुमान चालीसा का विवाद अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए ये मामला शुरू हुआ था 23 तारीख को जब राणा दंपति ने साफ तौर पे कहा था कि वो मुंबई के मातोश्री, जो आपको बताना चाहेंगे कि मातोश्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अपना पर्सनल घर है, वहां जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हालांकि शिवसेना की बड़ी तादाद में जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, वो सड़कों पर उतर आए थे और राणा दंपति को जो मुंबई के खार इलाके में उनका घर है वहां पर उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। 23 तारीख को एक घटना हुई तो 24 तारीख को बाकायदा मुंबई पुलिस राणा दंपति के घर पहुंचती है, उन्हें वहां से हिरासत में लेती है और शाम तक दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों पति पत्नी जाते हैं और मांग करते हैं कि जो FIR है उसे रद्द कर दी जाए। बॉम्बे हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका मिलता है, FIR रद्द नहीं होती है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में जो निर्दलीय सांसद है रवि राणा, नवनीत राणा और रवि राणा, उनके ऊपर दो मामले दर्ज हैं। पहला मामले जिसमें वो जो अभी जेल में फिलहाल, दूसरा मामला ये है कि पुलिस को काम के रोक टोक में उन्हें उनके ऊपर दो FIR हुई हैं। अब इसमें लीगैलिटी ये कहती है कि अगर इन्हें बेल मिल भी जाती है तो मुंबई पुलिस के अधिकारी अब राणा दंपति को 72 घंटे पहले का नोटिस जारी करेंगे और नोटिस जारी करने के बाद हो सकता है कि मुंबई पुलिस जो दूसरी FIR है उसमें एक बार फिर से राणा दंपति को गिरफ्तार कर लें। अच्छा, कोई शर्त भी है जमानत मिलने की? अमूमन हमने देखा है कि जब जमानत दी जाती है तो उसमें कुछ ग्राउंड मेंशन किया जाता है, क्या आज भी कुछ ऐसा है? रीमा देखिए अभी जो 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 कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सिर्फ एक वर्बल ऑर्डर दिया है, अभी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है। हो सकता है इसमें जब भी किसी को बेल मिलती है तो श्योरिटी जमा करनी पड़ती है, टर्म्स एंड कंडीशन हर हाल में रहते हैं ताकि जो आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं वो कोर्ट से बाहर आके फिर से वो रिपीट ऑफेंडर ना बने। लेकिन सिर्फ अभी फिलहाल जो कोर्ट से आया है उन्होंने वर्बल ऑर्डर दिया है, पूरे डिटेल ऑर्डर अभी आना बाकी है, हो सकता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे, फिलहाल शुक्रिया।